बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाई जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी से बेहतरीन नतायज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बैटर बनाने के लिए एक प्याली बेसन की ली है। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर एक चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, हल्दी पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, भुना और कूटा हुआ धनिया एक चाय का चम्मच, भुना और कूटा हुआ काला ज़ीरा एक चाय का चम्मच, अजवाइन एक चौथाई चाय का चम्मच, कसूरी मेथी एक चाय का चम्मच। सारे खुश्क अज़ा को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे दही एक खाने का चम्मच, एक अंडा, हसबे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे जो दरमियाना होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। पानी एकदम से शामिल नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि स्मूथ पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल किया है क्योंकि पेस्ट काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। ये देखें, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए पेस्ट की। अब इसको एक तरफ रख देंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है जिसको उबाल के कुचल लिया है। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, अमचूर एक चौथाई चाय का चम्मच, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ दो खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्चें एक से दो बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ प्याज दो खाने के चम्मच के बराबर और सारे जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको भी एक तरफ रख देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं चार, किनारे काट देंगे। चारों तरफ से किनारे कट गए हैं। दो स्लाइसेस लिए हैं आलू की जो स्टफिंग तैयार की थी वो लगाएंगे ब्रेड के एक स्लाइस पे। अच्छी तरह से किनारों तक फैला के लगा देंगे।
दूसरा स्लाइस ऊपर से रख के इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से दबाएंगे। अब इसको दरमियान से ऐसे काटेंगे कि दो तुकोन शक्ल के हमारे पास ब्रेड पकौड़ा आ जाएं। ये देखिए ऐसे। चारों स्लाइसेस के साथ ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लिया है। दरमियानी आंच पे कढ़ाई रखी है, तेल इसमें शामिल कर दिया है। तेल गर्म हो जाए तो जो बैटर बनाया था उसमें डिप करेंगे ब्रेड पकौड़ा को अच्छी तरह से, और एहतियात के साथ तेल में उतार देंगे। एक तरफ से अच्छा सुनहरी सा फ्राई हो जाए तो इसकी साइड पलट देंगे। दोनों अतराफ से फ्राई हो जाए तो इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखिए इसको किचन टॉवल पे निकाल रहे हैं। इसमें से ज़ायद तेल निकल जाए तो इसको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। ब्रेड कोड़ा को इस सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। इसको मैं होममेड चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ब्रेड कोड़ा रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल में मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।